हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में हम उसका फर्स्ट पार्ट कार्डिनल अप्रोच ऑफ मेजरिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर डिस्कशन कर रहे थे। फाइन, प्रीवियस लेक्चर में हमने कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी पे डिस्कस किया था कि यूटिलिटी का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है और यूटिलिटी के डिफरेंट फीचर्स और उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली क्या क्या होते हैं। फाइन, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज, कितने टाइप की यूटिलिटीज होती हैं, इनिशियल, टोटल एंड मार्जिनल। और उसके बाद में हम एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी समझने से पहले हम इन यूटिलिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज के कंसेप्ट पर डिस्कस करते हैं। ओके, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि यूटिलिटी का कंसेप्ट क्या होता है। यूटिलिटी इटसेल्फ इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर का मीनिंग होता है, देखिए दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट और जितनी भी सर्विसेज अवेलेबल हैं, ठीक है, आपके आसपास जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस अवेलेबल है, हर प्रोडक्ट हर सर्विस के अंदर कुछ ना कुछ वांट सेटिस्फाइंग पावर है, कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन है, तभी तो वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। हाँ, ये बात अलग है कि वो वांट सेटिस्फाइंग पावर, वो सेटिस्फैक्शन हर कंज्यूमर, हर इंसान के लिए एक्चुअली नहीं है। ठीक है, जो बंदा उसको यूज करेगा वही उसका सेटिस्फैक्शन, उसकी यूटिलिटी और उसका जो वांट सेटिस्फाइंग पावर है उसको एक्चुअली वो समझता है। ठीक है, अब जैसा मैंने कहा कि भाई ये व्हाइट बोर्ड मार्कर का यूटिलिटी मेरे लिए है एज अ टीचर, क्योंकि मैं उसको यहां पर व्हाइट बोर्ड पे लिखने के काम में लेता हूं, लेकिन एज अ स्टूडेंट आपके काम का ये नहीं। आप बोलेंगे सर मेरे लिए इससे कोई सेटिस्फैक्शन डिराइव नहीं होता, मेरे लिए इस पर कोई यूटिलिटी एक्चुअली नहीं है, तो मेरे लिए किसी यूज का नहीं है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि भाई जैसे जो लोग वेजिटेरियन है तो उनको नॉन वेजिटेरियन फूड के अंदर कोई यूटिलिटी डिराइव नहीं होती है। अब आप उनको कोई फ्री में भी ऑफर करें तो वो उसको नहीं लेंगे। जो ड्रिंक नहीं करते उनको वाइन के अंदर कोई यूटिलिटी डिराइव नहीं होती, फिर भले आप उनको वाइन फ्री में ऑफर करें। फाइन, तो कहने का मीनिंग ये होता है कि ये जो यूटिलिटी है दुनिया के हर प्रोडक्ट हर सर्विस में है, लेकिन ये उसी के लिए है जो उसको एक्चुअली कंज्यूम करता है, उसको यूज करता है, और वही बंदा क्या करेगा उस यूटिलिटी को एक्चुअली डिराइव करेगा। एनीवे, तो ये हमारा यूटिलिटी का कांसेप्ट है। यूटिलिटी किसको बोलता है? सेटिस्फैक्शन को बोलते हैं। जो भी सेटिस्फैक्शन होता है उस सेटिस्फैक्शन को जब हम कार्डिनल नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं, कार्डिनल नंबर्स का मीनिंग होता है नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जो हमारे कार्डिनल नंबर्स होते हैं। आपने 4th-5th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर का डिफरेंस। ऑर्डिनल नंबर रैंकिंग बताता है, कार्डिनल नंबर एब्सोल्यूट टर्म को शो करता है। तो कार्डिनल नंबर के अंदर जब उस सेटिस्फैक्शन को हम एक्सप्रेस करते हैं, जैसे मैं एक बात बता दूं कि किसी भी प्रोडक्ट से कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ये क्वालिटेटिव टर्म है और इसको कार्डिनल नंबर में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, बंदा उसको समझेगा नहीं। लेकिन स्टिल जब हम कार्डिनल अप्रोच पढ़ते हैं तो हम ये मानते हैं कि जो भी प्रोडक्ट, जो भी गुड्स या जो भी सर्विस हमने कंज्यूम की है उसकी जो सेटिस्फैक्शन है उसको एक कार्डिनल नंबर में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जब भी किसी प्रोडक्ट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन को जब आप कार्डिनल नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं, उसकी यूनिट एक बना लेते हैं, तो दैट यूनिट इज कॉल्ड एज व्हाट? यूटिलिटी। हम उसको क्या बोलेंगे? यूटिलिटी बोलेंगे। ठीक है, ओके फाइन। अब देखिए, हम जब जब किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हो तो यूटिलिटी मिलती है। तो ये यूटिलिटी कार्डिनल अप्रोच के अंदर तीन टाइप की यूटिलिटीज होती है। ठीक है, एक होती है हमारी इनिशियल यूटिलिटी, ठीक है, सेकंड इज व्हाट? मार्जिनल यूटिलिटी, एंड थर्ड इज व्हाट? टोटल यूटिलिटी। ठीक है, इनिशियल, मार्जिनल एंड टोटल। देखिए, ये इनिशियल तो ज्यादा उसके अंदर यूज नहीं होती है, आपको बुक्स में ज्यादा देंगे भी नहीं, इनिशियल को इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मार्जिनल और टोटल, ये अपने आप में दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये मार्जिनल और टोटल आगे के चैप्टर्स में भी आपको आएंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे आप टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, प्रोडक्शन फंक्शन में, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट में आप पढ़ेंगे टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू में टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। मींस ये टोटल और मार्जिनल का कंसेप्ट सिर्फ इसी चैप्टर और इसी कंसेप्ट के साथ फिनिश नहीं होगा, ये आगे भी कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड होगा। तो आप यहां पर मार्जिनल और टोटल पर ध्यान दें, यूटिलिटी तो आप समझ ही चुके हैं उसके अंदर। एनीवे, इनिशियल यूटिलिटी पर मैं आता हूं। इनिशियल यूटिलिटी का मीनिंग होता है जब आप किसी भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस को फर्स्ट टाइम कंज्यूम करते हैं, फर्स्ट टाइम उसको गेन करते हैं, तो आपने कितनी यूटिलिटी एक्चुअली डिराइव की। लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए कि आप किसी एक नए आइसक्रीम पार्लर पर गए आपके सिटी के अंदर, और जो बेसिकली आपके शहर में पहले था नहीं,
आपने बोला कि चलिए यहाँ पर एक आइसक्रीम को टेस्ट किया जाए, इससे पहले कभी आपने टेस्ट की नहीं थी उसको, ठीक है। अब आपने जब फर्स्ट आइसक्रीम एक्चुअली टेस्ट की, और वो अच्छी भी है, मींस फेमस आइसक्रीम है, तो जब आप जैसे ही फर्स्ट आइसक्रीम उससे कंज्यूम करेंगे, मैं यहाँ पर यूनिट्स लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर यूटिलिटी कितनी डिराइव हो रही है वो लिख रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट से जब आपने उसे कंज्यूम की और आपने उसको खाया, आपसे पूछा गया कि भाई आपको अच्छी लगी, आपने कहा कि हाँ बिल्कुल अच्छी लगी, आपसे पूछा गया कि क्या आपने इससे कोई सेटिस्फैक्शन डिराइव किया, तो कंज्यूमर ने बोला कि हाँ जी मैंने इससे कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन डिराइव किया। आपने पूछा कितना आप इसको कार्डिनल नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और मान लीजिए उस बंदे ने कहा कि मैं इसको कार्डिनल नंबर में एक्सप्रेस करता हूं, मुझे 500 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन इससे मिला, ठीक है। तो बस फर्स्ट आइसक्रीम को कंज्यूम करने से जितनी यूटिलिटी आप कार्डिनल नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इनिशियल यूटिलिटी। इसको क्या कहा जाता है, इनिशियल यूटिलिटी, ठीक है। जब भी फर्स्ट कमोडिटी को आप कंज्यूम करेंगे, उससे मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को जब आप कार्डिनल नंबर्स में एक्सप्रेस करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इनिशियल यूटिलिटी, ठीक, फाइन। चलिए, अब आपने एक आइसक्रीम कंज्यूम कर ली, आपको दूसरी सेकंड आइसक्रीम ऑफर की गई, तो आपने सेकंड आइसक्रीम जब कंज्यूम की, तो इस सेकंड आइसक्रीम से अब जो यूटिलिटी मिलेगी वो इससे कम होगी। मैं आगे के डिमिनिश लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाले लेक्चर के अंदर इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी आप समझिए कि जो आपको सेकंड कमोडिटी से जो यूटिलिटी डिराइव होगी वो फर्स्ट से कंपैरेटिवली कम होगी। मान लीजिए कि यहां पर मिली आपको 420 यूटिल्स, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट से, ये सेकंड से, थर्ड फिर आपने कंज्यूम किया, तो आपको मान लीजिए वहां से मिली 350 यूटिल्स, फोर जब आपने डिराइव की तो वहां से मिली आपको 270 यूटिल्स, ठीक है। इस तरह से आपकी यूटिलिटी क्या होती जा रही है, सक्सेसिव कंजम्पशन से यूटिलिटी आपकी कम होती जा रही है, ठीक, फाइन। तो फर्स्ट यूनिट से जो डिराइव किया गया था यूटिलिटी, जितनी आपने एक्सप्रेस की थी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इनिशियल यूटिलिटी। अब जो nth यूनिट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो nth यूनिट है, उस nth यूनिट से आप कितनी यूटिलिटी डिराइव करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मार्जिनल, हम उसको क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट से हमने कंज्यूम, हमें मिली 500 यूटिल्स, सेकंड से मिली 420 यूटिल, तो ये 420 यूटिल जो है, 420 यूटिल्स आर डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ सेकंड यूनिट, टू यूनिट्स नहीं, सेकंड यूनिट। देखिए, टू यूनिट और सेकंड यूनिट में बहुत डिफरेंस है, टू टोटल को शो करता है, सेकंड जो है वो मार्जिन को शो करती है, मींस आपका गैप कितना हुआ थर्ड से। वैसे भी हम मार्जिनल को पढ़ते हैं, मार्जिनल का जो कंसेप्ट है, दैट इज व्हाट, एडिशन ऑन एवरी एडिशनल। आप जब भी कोई एडिशनल काम करते हैं, आप देखिए यहां तो हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो मैं जितनी एडिशनल यूनिट कंज्यूम करूंगा और उससे जितनी भी एक्स्ट्रा यूटिलिटीज मुझे मिलेंगी, तो वो मेरे लिए मार्जिनल होगा। आगे जब ये आएगा जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट, तो मैं बोलूंगा जितना मैंने एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को बनाने में जितनी मैंने एक्स्ट्रा इनपुट्स उसके अंदर डाले, उससे मेरे पास कितना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनकर आया, वो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट, तो जितनी मैंने कमोडिटी एक्स्ट्रा बनाई उसके ऊपर मेरी कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट, फाइन। तो ये होता है एडिशन ऑन एवरी एडिशनल या एक्स्ट्रा, कितना आपका एडिशनल आपको मिला, सेकंड एक यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम की तो आपको एक्स्ट्रा 420 यूटिल मिली, एक और कंज्यूम की तो एक्स्ट्रा 350 यूनिट और मिली, एक और कंज्यूम की तो आपको एक्स्ट्रा 270 यूनिट और यूटिलिटीज और मिली, फाइन। तो ये कहलाती है हमारी मार्जिनल, मींस जो nth यूनिट है उसको कंज्यूम करने से आपको कितना मिलता है, एडिशन ऑन एवरी एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम, फाइन। चले, अब आइए हमारे पास टोटल यूटिलिटी, ये रिप्रेजेंट करता है मार्जिनल nth यूनिट को, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है n यूनिट्स को, ठीक है। n यूनिट्स मतलब यूटिलिटी डिराइव बाय कंजम्पशन ऑफ टोटल n यूनिट्स, ठीक है, nth और n को। अब मैं कहूं कि सर आप ये बताइए, अच्छा ये कौन सी होगी मेरी मार्जिनल यूटिलिटी, अब किसी ने कहा कि सर इसकी टोटल यूटिलिटी बताइए, तो मैंने कहा कि भाई जब मैंने फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम की थी तो उससे मुझे 500 यूटिल्स मिली थी, तो एक से मुझे 500 मिल गई, सेकंड जब कंज्यूम की तो 500 के बाद 420 और मिली, तो 500 प्लस 420 विल बी टोटल यूटिलिटीज डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ टू यूनिट्स, सेकंड नहीं, दैट इज व्हाट, 920 यूटिल्स। उसके बाद मैंने 350 यूटिल्स और ली, तो मेरे पास कितना हो गया, 920 प्लस 350, दैट इज व्हाट, 1270 यूटिल्स। फिर उसके बाद 1270 और डेराइव की, तो हमारे पास टोटल हो गई 1540 1540 यूटिल्स, ठीक है। तो ये जो हम टोटल एन यूनिट से
कितनी टोटल यूटिलिटी डिराइव कर रहे हैं, टोटल आपके पास कितना हुआ क्यूमुलेटिव सेंस में, इसको क्यूमुलेटिव बोलते हैं, तो वो कहलाता है हमारा टोटल यूटिलिटी। ये कंसेप्ट हमारा टोटल यूटिलिटी का कंसेप्ट है। ओके फाइन, अब देखिए टोटल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मैं मार्जिनल को प्लस करता गया तो टी यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम यू, ये समेशन होता है, समेशन रिप्रेजेंट्स द एडिशन, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला बन गया समेशन ऑफ एम यू, मार्जिनल यूटिलिटी का सम। आप उसके क्यूमुलेटिव्स निकालते जाएं, ऑटोमेटिकली आपका क्या बन जाएगा, टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट हो जाएगा। बट कभी कभी एक्चुअली ऐसा भी होता है कि बाय चांस मान ले आपको क्वेश्चन के अंदर टोटल यूटिलिटी दे दी, ओके, और इस टोटल यूटिलिटी से आपको बोल दिया कि जस्ट कैलकुलेट द मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो अब इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी, देखिए जीरो कंजम्पशन पे तो कोई यूटिलिटी डिराइव होती नहीं है, जब हमने एक कंज्यूम किया तो 500 ही रहा, तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी तो 500 हो गई, ठीक है। अब सेकंड की कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी तो मैंने आपको यहां लिखा था 420, लेकिन अगर ये नहीं है तो आप टोटल देखिए, एक से टोटल 500, दो से टोटल 920, 920 में से 500 फर्स्ट में मिल गई, तो सेकंड पे कितनी मिलेगी, नेचुरली 420, तो ये हो जाएगी 920 माइनस 500, दैट इज व्हाट 420, ठीक है। तीन से टोटल 1270, तो तीन में से दो से कितनी मिली वो माइनस कर दो, तो थर्ड की मिल जाएगी 1270 माइनस व्हाट 920, दैट इज व्हाट 350 यूटिल, से किसे निकाला 1270 माइनस 920, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद फोर से किसे कैलकुलेट करेंगे, 1540 से टोटल मिली है तो उसमें से चार से, तो तीन वाली माइनस कर दो, 1540 माइनस 1270 दैट इज व्हाट 270 यूटिल्स, 1540 माइनस 1270, तो ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट हो गई। तो इससे मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, मैंने क्या कहा मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा nth यूनिट की डेराइव होगी, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा, इधर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, एम यू ऑफ nth यूनिट, ठीक है, nth यूनिट का फॉर्मूला क्या होगा, टी यू ऑफ n यूनिट माइनस टी यू ऑफ n माइनस 1। जैसे अगर आपको थर्ड यूनिट की निकालनी है तो एम यू ऑफ थर्ड यूनिट इज इक्वल टू टी यू ऑफ थर्ड थ्री यूनिट्स माइनस टी यू ऑफ थ्री माइनस 1 टू यूनिट्स। अब टी यू ऑफ थ्री कितना है 1270 और माइनस वॉट 920, तो इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 420। अब आपको जिसकी भी कैलकुलेट करनी हो तो आप उसको उससे मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके फाइन, तो इनिशियल यूटिलिटी मैंने बताया फर्स्ट यूनिट से कितनी यूटिलिटी डराइव होती है वो, मार्जिनल nth यूनिट से कितनी डराइव होती है एक्स्ट्रा एडिशन ऑन एवरी एडिशनल, और टोटल टोटल इसके अंदर कैलकुलेट होगा। तो हमारे दो फॉर्मूले डराइव हो गए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1, एंड टोटल यूटिलिटी इज समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसमें आगे न्यूमेरिकल आते हैं टेबल के फॉर्म में कि भाई आपको एम यू दे देगा, टी यू फाइंड आउट करना होगा, टी यू दे देगा, एम यू फाइंड आउट करना होगा, तो हम इससे अल्टीमेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज डिस्कस करने के बाद अब हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है। एक्चुअली इसके पीछे कंसेप्ट ये है कि भाई अगर आप सक्सेसिवली अगर किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हैं, सक्सेसिवली मींस कंटिन्यूअसली एक के बाद एक, जब आप कोई भी एक कमोडिटी को, सेम कमोडिटी को, सेम ब्रांड, सेम क्वांटिटी, सेम क्वालिटी, सब ये अगर आप उसको कंज्यूम करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटीज आपकी होंगी, और जब आपको टी यू और एम यू में उसको डिफाइन करेंगे तो टी यू और एम यू के बीच की रिलेशनशिप क्या होगी, ठीक है। और इसी से हमारा आगे के लेक्चर का कंसेप्ट बनेगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, ठीक है। तो यहां से ये हमारा एक्चुअली ये रिलेशनशिप जो है ये आपके साइकोलॉजी को शो करती है, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है कि भाई आप किस तरह से किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, और जब उसको कंज्यूम करते हैं तो वहां से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो वो सेटिस्फैक्शन में टोटल और मार्जिनल के बीच की रिलेशनशिप एक्चुअली क्या होती है। एनीवे मेरे पास एक यूटिलिटी स्केड्यूल है, देखिए ये स्केड्यूल वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूँ ये आगे के चैप्टर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपको डिमांड स्केड्यूल आएगा, सप्लाई स्केड्यूल आएगा, कॉस्ट स्केड्यूल आएगा, टोटल कॉस्ट स्केड्यूल, रेवेन्यू स्केड्यूल, आउटपुट स्केड्यूल, ऐसे बहुत सारे स्केड्यूल्स आएंगे। स्केड्यूल्स रिप्रेजेंट टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, किसी भी कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसका जब टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है तो दैट इज कॉल्ड एज स्केड्यूल। तो यहां पर हम यूटिलिटी कंजम्पशन का टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। मेरे पास यहां पर यूनिट्स कंज्यूम्ड है, जीरो यूनिट्स, उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी है और टोटल यूटिलिटी है, मैंने कैलकुलेट करके दे रखी बुक में से, मैंने एग्जाम्पल लिया है। ओके, 0, 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 10 यूनिट का कंजम्पशन है। फर्स्ट जीरो, जब तक आप यूनिट को कंज्यूम नहीं करते तब तक आपको कोई यूटिलिटी एक्चुअली डिराइव नहीं होती,
तो यहाँ कुछ लिखी भी नहीं है। फर्स्ट यूटिलिटी से इनिशियल यूटिलिटी इज व्हाट 40, फिर उसके बाद सेकंड से 38, 36, 28, मैंने अभी बताया था आपको, जैसे जैसे आप सक्सेसिव यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे तो आपकी यूटिलिटी उससे मिलने वाली कम होगी। 40 से कम होते होते देखिए यहाँ पर आगे जीरो पे, मीन्स जब 9th कमोडिटी आपने कंज्यूम की तो उससे कोई यूटिलिटी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिली, और जब 10th आपने कंज्यूम की तो बल्कि उल्टा उससे नेगेटिव यूटिलिटी मिली, मीन्स वो आपके ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालेगा। अब आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, डिससेटिस्फैक्शन होगा, उससे वो एडवर्स इफेक्ट डालेगा। तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो जीरो होगी, फिर उसके बाद इट विल बिकम नेगेटिव। फाइन, इसी से मैंने टोटल यूटिलिटी निकाली। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, टी यू इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एम यू, तो 40 का 40, 40 प्लस 38, 78, ऐसे हम कैलकुलेट करते गए। ठीक है, अब आपको इसकी रिलेशनशिप देखनी है, या आगे के किसी भी जो चैप्टर आएंगे उसमें कोई भी रिलेशनशिप देखनी है, तो उसको ग्राफ और उसका शेड्यूल दोनों देखिएगा। ठीक है, पहले मैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली मेरा शेड्यूल डिराइव करता हूँ, शेड्यूल के अकॉर्डिंगली मैं अपना ग्राफ डिराइव करता हूँ। ठीक है, जीरो पर जीरो था, वन पर 40 है, और टू पर 30, सॉरी टू पर 7, ये तो मार्जिनल है मेरा, मैं पहले टोटल का डिराइव करता हूँ। 1 पर 40 और 2 पर 78 अप्रॉक्सीमेटली इधर, 3rd पर 114 ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ, उसके बाद 142, देन 162 अप्रॉक्सीमेटली इधर, देन 178 इधर, फिर उसके बाद 184 यहाँ, 188 फिर 188 और फिर उसके बाद 186 ये चला अपना। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया मेरे से, तो ये दिस इज अवर व्हाट टोटल यूटिलिटी। तो हमारा टोटल यूटिलिटी को अगर आप सिर्फ टोटल यूटिलिटी कर्व को देखें, ठीक है, तो अभी आप, मैं मार्जिनल यूटिलिटी कर्व को नहीं बना रहा, सिर्फ टोटल यूटिलिटी कर्व को देखें, तो आप देखेंगे कि टोटल यूटिलिटी कर्व गोज इंक्रीजिंग, ये बढ़ता जा रहा था। ठीक है, जैसे जैसे यूनिट डिराइव हो रही थी बढ़ता जा रहा था, लेकिन इसकी रेट ऑफ इंक्रीज थी वो डिक्रीजिंग रेट थी। ठीक है, एक टाइम ऐसा आया जब ये पीक पर पहुंचा, ठीक, और यहां जाकर कांस्टेंट हुआ। देखिए यहां पर वैल्यूज क्या थी, 188 और अगेन 188 और यहां जाकर 186। ठीक है, ये मैंने डाउनफॉल ज्यादा बता दिया, बट स्टिल, तो यहां पर आकर ये मैक्सिमम हुआ। ठीक है, कांस्टेंट हो गया, मतलब 188 पर मैक्सिमम, इससे ज्यादा बढ़ा नहीं, और उसके बाद फिर ये गिरना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा कि टोटल यूटिलिटी इनिशियली इंक्रीजेस, रीचेस टू द मैक्सिमम, बिकम्स कांस्टेंट एंड देन स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। ये हम इससे ये डिराइव कर सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है, इनिशियली बढ़ती है, एक वक्त ऐसा आता है जब वो उसके पीक पर पहुंच जाती है, और पीक पर पहुंचने के बाद में फिर उसको गिरना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके लिए हमारी मार्जिनल यूटिलिटी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो देखिए, अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी को डिराइव करूं तो स्टार्ट 40 से ही होगा, फिर सेकंड होगा 38, उसके बाद 36 अप्रॉक्सीमेटली, फिर 28, फिर देन 20 एंड देन 16, देन 6, देन 4, देन 0 एंड देन -2। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, MU को रिप्रेजेंट करता है। अभी थोड़ी देर के लिए आप TU को बोल जाएं और MU पर आएं, तो देखिए MU जो है, आप इसको देखेंगे तो इसमें इंक्रीमेंट है ही नहीं, 40 से स्टार्ट हुआ और कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। एक टाइम ऐसा आया जब ये जीरो हो गया और उसके बाद में नेगेटिव, मींस इनिशियली फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट ऑनवर्ड्स MU टेंड्स टू डिक्रीज, और डिक्रीज होगा, एक टाइम ऐसा आएगा व्हेन MU बिकम्स जीरो एंड देन इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, इट गोज टू द नेगेटिव। अब इन दोनों की हम रिलेशनशिप सेट करेंगे। देखिए, अब ये 9th यूनिट को अगर आप ध्यान से देखें तो 9th यूनिट ये हमारी बनती है। ठीक है, इस पर हमारा जो था TU जो था वो मैक्सिमम था और MU हमारा क्या था, जीरो हो चुका था। ठीक है, तो इससे एक रिलेशनशिप तो ये बन गई, व्हेन MU इज जीरो TU वाज एट इट्स पीक एंड TU वाज मैक्सिमम। जब MU जीरो होता है तो TU मैक्सिमम होता है। उससे पहले आप देखेंगे कि MU पॉजिटिव था, इसके बाद जीरो होने के बाद नेगेटिव हुआ, तो MU यहां पॉजिटिव था तो TU उस टाइम बढ़ रहा था। ठीक है, MU जब नेगेटिव हो गया तो TU डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो हम इससे तीन रिलेशनशिप डेराइव करते हैं। तो रिलेशनशिप जो होगी, फर्स्ट रिलेशनशिप क्या होगी, व्हेन MU वाज पॉजिटिव TU वाज इंक्रीजिंग। ठीक है, जब तक MU पॉजिटिव रहा
TU बढ़ता रहा, TU इंक्रीज होता रहा, ठीक है. रिलेशनशिप, सेकंड रिलेशनशिप क्या होगा, व्हेन MU बिकम्स जीरो. जब MU जीरो हो गया, TU वाज कांस्टेंट एंड मैक्सिमम. TU कांस्टेंट हो गया और मैक्सिमम एक्सटेंट पर पहुंच गया, ठीक है. और थर्ड रिलेशनशिप क्या होगी, व्हेन MU बिकम्स नेगेटिव. जब MU नेगेटिव हो गया, TU स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग. TU जो हो गया वो कम होना स्टार्ट हो गया, इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, ठीक है. तो हमारी ये तीन रिलेशनशिप इसके अंदर बनती है. फर्स्ट किया, MU जब पॉजिटिव था, TU इंक्रीज हो रहा था. MU जीरो हुआ, TU कांस्टेंट और मैक्सिमम हो गया. और MU जब नेगेटिव हुआ, तो TU ने डिक्लाइन करना, गिरना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, फाइन. अच्छा, अब मैंने इसको MU को बेस लेकर के TU को एक्सप्रेस किया. आप उल्टा भी कर सकते हैं, TU लेकर के MU को एक्सप्रेस कर सकते हैं. क्या, व्हेन TU वाज इंक्रीजिंग, MU वाज पॉजिटिव. व्हेन TU वाज मैक्सिमम, MU विल, MU इज जीरो. एंड व्हेन TU स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, MU बिकम्स नेगेटिव. तो ये हमारी रिलेशनशिप, ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ये आती है एग्जाम के अंदर. तो ये थ्री रिलेशनशिप्स आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. तो इस लेक्चर में हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटीज पर डिस्कस किया, आई होप वो क्लियर होगा. उसके बाद हमने रिलेशनशिप पर बात की, ये भी आपको क्लियर होगा. और मैं आगे के लिए बता रहा हूँ, रिलेशनशिप जब भी देखनी हो तो हमेशा उसकी स्केड्यूल को और उसके ग्राफ को देखें. उसी से आपको दो दो जो भी दो चीज़ों में या तीन आइटम्स के अंदर रिलेशनशिप देखनी है, वो आपकी एक्सप्रेस हो पाएगी. आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा. स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगती है, कोई क्वेश्चन रेज होता है, तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है, तो उसे अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें. वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी कॉमर्स अकेडमी.